क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। आग के शोलों में किसी का सामान झोंकती इस औरत के दिल में भी शोले धड़क रहे हैं। इसके गम और दर्द को देखने के बाद ऐसा लग रहा है मानो किसी ने उसे उसका सब कुछ छीन लिया हो। आखिर ये औरत है कौन, किसका सामान जला रही है और ऐसा भी क्या गम है जो उसे खाए जा रहा है। आज के इस एपिसोड में हम ममता, जिम्मेदारियों और रिश्तों की एक ऐसी मर्म स्पर्शी कहानी देखेंगे जो आपके जहन को अंदर से झंझोड़ कर रख देगी। चाची, मयूरी नहीं दिखाई दे रही। अरे हेमा, तू तो जानती है ना आजकल के बच्चों को, वो ये सब नहीं मानते। ये सकट व्रत अपनी बेटों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। सबसे पहले भगवान से अपने बेटों के लिए प्रार्थना करो। ये भगवान, मेरी अमर की रक्षा करो, उसे ढेर सारी खुशियां दो, उसे सद्बुद्धि दो। एक चाची, 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 जल्दी चलो, अमर भैया को पुलिस वाले उठा कर लेकर जा रहे हैं। हे भगवान, चल रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बेटा अमर है। इसने एक छोटी सी बात के लिए एक रिक्शे वाले का सर फोड़ दिया। साहब, इसे एक मौका तो दीजिए, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। साहब, अगर इसे जेल हो गई ना, इसकी नौकरी चली जाएगी। साहब, मैं आपके पैर पर। बस, बस, बस। और इसने जो किया है उसका क्या? साहब, मेरा बेटा शराबी नहीं है। साहब, इसने जिस किसी को भी चोट पहुंचाई ना, मैं उसके इलाज के पैसे दूंगी। हाँ, उसका हर्जाना भी मैं दूंगी साहब। बस बस बस, आपके कहने पर आखिरी मौका दे रहा हूँ इसे। चल बेटा, चल चल। आराम से चले जी, आराम से। मयूरी, मयूरी। हाँ भैया, ये क्या तरीका है? अंदर च। माँ,
पानी सर के ऊपर जा चुका है। भैया की हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। चुप कर, तुम छोटी हो, छोटी बन के ही रहो। प्लीज माँ, आप हमेशा मुझे ऐसे डांट के चुप नहीं करवा सकती है। हर किसी में कोई ना कोई दोष होता ही है। वैसे ही अमर में शराब पीने की आदत पड़ चुकी, लेकिन प्यार से इंसान को बदला जा सकता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या भैया आपके प्यार से सुधरे? नहीं ना, उल्टा उनकी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। शराब पीना, लोगों को पीटना, घर देखते आना, ये क्या है माँ? चुप कर मयूरी, मुझे पता है अपने बच्चों को कैसे संभालना है, समझी? तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद मैंने अकेले तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। ठीक है, अब ये भी बता दो आप भैया को कैसे सुधारोगी? सोच रही हूँ कि इसकी शादी करा दो। जब जिम्मेदारियों का बोझ सर पर पड़ता है ना, तब इंसान की सोच अपने आप बदल जाती है। माँ, माँ, सॉरी। अरे माँ, मैं रिक्शे से घर आ रहा था ना, वो रिक्शा वाला बदतमीजी कर रहा था मेरे साथ में। और बदतमीजी नहीं, आपको मालूम है वो क्या कर रहा था? वो आपको गाली दे रहा था, मैं कैसे सहन करता बताओ आप? जब तुम शराब पी लेते हो तब तुम मेरे अमर नहीं कुछ और बन जाते हो। माँ, मैं कहाँ रोज रोज शराब पीता हूँ, हफ्ते में एक दो बार इतना तो चलता है। नहीं, सिर्फ एक दो बार? हाँ भैया, क्या है ये? तुम्हारे बैग से गिरा। क्यों, शर्म आ रही है? क्या है ये? वार्निंग लेटर है भैया के ऑफिस से, और इसमें लिखा है कि भैया की परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरते जा रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भैया को जॉब से भी निकाल देंगे। सबकी जड़ ये शराब है। ये शराब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रही है बेटा, तू समझ क्यों नहीं रहा? खा मेरी कसम, आज के बाद अगर तूने शराब को हाथ भी लगाया ना, तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। ठीक है, आपकी कसम, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, ठीक है? अगर तूने शराब नहीं पी तो तुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो अभी रोना बंद करो। अरे मुझे जल्दी से नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। चीयर्स। अच्छा अमर, हाँ, तेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? तू पीता भी रोज है पर अपनी माँ के लिए बुरा भी महसूस करता है। मैं इतना सोच मत, अटक जा। चल चल। माँ का फोन काली वाली मत देना। हाँ माँ। अरे कितनी देर लगा दी, लड़की वाले तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं? बस ऑफिस से निकल रहा हूँ माँ। हाँ जल्दी आना, और सुन शराब पीकर नहीं आना। हाँ ठीक ठीक है ना माँ? हाँ हाँ रखता हूँ, आ रहा हूँ। ये तो खत्म कर ले। अरे फिर कर ले। अरे वापस बैठेंगे ना अपन। अरे हाँ यार, अरे वो मिंट की गोली तो दे। ये प्रॉमिस कर कल आना है, वेट करेंगे हम लोग। हाँ आराम से चल।
वो लोग तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं? माँ वो आज फिर से शराब पी कर आया, मना किया था ना, जाकर ब्रश करके नहा धो कर जा, जा जा आओ बेटा बैठो। बेटा ये वर्मा जी है और ये इनके जीजा जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा, तुम क्या काम करते हो? जी, मैं गवर्नमेंट बैंक में पीओ हूं। बेटा ये देख, ये इनकी बिटिया है तनु, प्यारी है ना, पसंद है? भाई साहब आपकी बिटिया हमारे बेटे को पसंद आई है, बधाई हो। बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं अमर से कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए ना। बेटा तुम शराब तो नहीं पीते हो? वो क्या है ना, तनु को शराब पीने वालों से बहुत नफरत है। नहीं नहीं, मैं तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता हूँ। फिर तो ठीक है, अब आप ही आदेश दीजिए बात को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अरे पहले मुंह तो मीठा कीजिए। लीजिए 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 भाई साहब। तनु बेटा, मैं हमेशा से तुम्हारी तरह सुंदर और सुशील बहू चाहती थी। अमर भाई शादी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अरे थैंक यू सो मच। तनु बेटा ये हार मुझे मेरी सास ने दिया था, अब मैं ये तुझे दे रही हूँ, इसका ख्याल रखना। थैंक यू मम्मी जी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। एक मिनट। हेलो, बधाई हो मेरे भाई। अरे अब जल्दी अपने अड्डे पर आ जा, तेरे लिए स्पेशल वाली मंगवाई है आज। अरे अभी? हाँ अच्छा ठीक है, आता हूँ। चल। मैं तुम्हें मेरी बेटी मयूरी की जितना ही प्यार दूंगी। तब तो बुरी फंसी भाभी कि मम्मी मुझे हमेशा डांटती है। चल हट, मारूंगी। देखा भाभी कैसी है। अच्छा आप शराब पी कर आए हो? शादी हुई हमारी, सेलिब्रेशन का डे था तो दोस्तों के साथ में थोड़ी पी ली, थोड़ी ज्यादा। मतलब आप शराब पीते हो? अगर अपने पैसे की पीता हूँ, किसी के बाप की थोड़ी पीता हूँ। तो आपने मेरे पापा से झूठ कहा कि आप शराब नहीं पीते? देखो जानू, क्या बोल रहा हूँ कि आज का जो दिन है ना, वो प्यार करने का दिन है, गुस्सा करने का नहीं। हम प्यार करते हैं ना। दूर हटो, मुझे शराब की स्मेल बर्दाश्त नहीं होती। समझती क्या तू अपने आप को? We'll be right back.
अरे बहू, क्या हुआ? आपको नहीं पता क्या हुआ? भैया हमेशा की तरह पी के जानवर बन गए। पर मुझे तो बोला गया था कि वो शराब को हाथ तक नहीं लगाते। मैं बेटा, हमने तुमसे छुपाया था, लेकिन अमर रोज रोज नहीं पीता, वो बस कभी कभी पीता है। लेकिन बेटा, हमें यकीन है हम सबके प्यार से अमर की शराब छूट सकती है। मतलब आप सबने मुझसे झूठ कहा था, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज। हे प्रभु, मेरे परवरिश में से क्या कमी रह गई? हाँ, लेकिन आज मैं प्रण लेती हूँ, जब तक अमर शराब नहीं छोड़ देता तब तक मैं सिर्फ एक समय का खाना ही खाऊंगी। हे प्रभु, मेरे परिवार के झोली में खुशियां भर दे। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुस्से में आके कुछ ज्यादा ही बोल गई। बहू, रात गई बात गई, अब हमें आगे के बारे में सोचना होगा। हमें मिलके भैया को सुधारना होगा, लेकिन कैसे? मयूर तो कहती है कि मेरे लाड़ प्यार ने अमर को बिगाड़ दिया, लेकिन मैं आज से उस पर सख्ती बरतूंगी। जितने भी कड़वे बोल बोलने हो मैं बोलूंगी। बहू, अमर को प्यार से समझाना ताकि उसकी शराब की लत छूट जाए। जी मम्मी जी। तनु, नाश्ता तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रुको। आज से तुम्हें नाश्ता नहीं मिलेगा। तुम जब जब शराब पी कर आओगे, तुम्हें इस घर में अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा, समझे? जाओ। ठीक। सुनिए, ये लीजिए, इसमें मैंने नाश्ता भी रखा है, खा लीजिएगा। और हाँ, मम्मी की बातों का बुरा मत मानिएगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो। हेलो, खाना खाया आपने? हाँ खा लिया, बाद में बात करता हूँ, अभी काम है। सुनो, आज रात पीकर मत आना, आपके लिए एक सरप्राइज है। ठीक है। सर, आपको बॉस ने बुलाया है। ओके, चलो बाद में बात करता हूँ, काम है, बाय। बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर न लगे। बहू, एक औरत को अपना घर बसाने के लिए बहुत जतन करने पड़ते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्द तुम भी अपने समर्पण से अमर को हमेशा के लिए शराब से दूर कर दोगी। करोगी ना? अरे मम्मी, जल्दी करो ना, मुन्नी बुआ बार बार फोन कर रही है। कीर्तन शुरू हो गया, चलो भैया का आने का भी टाइम हो गया। शराब पी के आए है? ये क्या तरीका है? आपको शराब से भी शर्म नहीं आती? इतने दिनों से मैं और मम्मी जी आपको समझाते आए हैं, पर आपको इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आती? अरे इससे तो
जिस दिन सही हुआ जीना हराम कर दिया तूने। मनोज सौरभ बहू। हेलो मम्मी, ये मुझे मार डालेंगे। क्या हुआ बहू? अरे तू रो क्यों रही है? मम्मी प्लीज जल्दी आए, मुझे बचा लीजिए। मम्मी प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज। मैं भी आई। बहू अरे दरवाजा तो खोलो। भाभी दरवाजा खोलो। बहू दरवाजा। क्या हुआ बहू? वो पीकर आए थे, ऐसा लगा कि वो इंसान नहीं कोई जानवर है। अच्छा छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। क्या कर रहा है तू? माँ मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा अमर इतना गिर जाएगा। अब जो भी हो हमें मिलके संभालना होगा इस खानदान के आने वाले चिराग के लिए। सच? आप दादी बनने वाली? अब चाहे कुछ भी हो मैं अमर की शराब छुड़वा के ही रहूंगी, ये मैं तुमसे वादा करती हूँ। माँ प्लीज मुझे माफ कर दो ना माँ, मुझसे मैं एम सॉरी ना माँ, मुझसे भूल हो गई ना माँ। उसे भूल नहीं पाप कहते हैं। आपने माँ पे हाथ उठाया? अरे शर्म है नाम की चीज है या नहीं आप में? कल जानवर बन गए थे आप। मयूरी चुप रहो तुम लोग। मैं नाराज नहीं हूँ, तू जा जाकर ऑफिस जाने की तैयारी कर जा। उसकी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी माँ। क्या मतलब? मुझे कल नौकरी से निकाल दिया है माँ। क्या माँ? मेरा कल का दिन ना बहुत भारी भी था माँ, और टेंशन भुलाने के लिए मैंने थोड़ी सी पी ली, लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाया और मैंने ये सब कर दिया। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। सच बताऊं ना तो कभी कभी अपने आप पर इतना गुस्सा आता है ना कि ऐसा लगता है कि अपने साथ कुछ कर बैठूं मैं। नहीं बेटा नहीं, ऐसा ना बोल। मैंने तुझे माफ कर दिया बेटा, लेकिन अब तुम्हें इस परिवार का सहारा बनना होगा, ना कि बोझ। तुम्हारी शराब की लत की वजह से तुम्हें नौकरी से निकाला गया और अब तुम्हें तुम्हारे आने वाले बच्चे के बारे में सोचना होगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा, ये शराब पीना बंद कर दे और कुछ काम कर ले। मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद ना मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा माँ। सच बेटा। शराब की लत में अंधे इंसान को कुछ और नहीं सूझता, उसके लिए दुनियादारी रिश्ते नाते कस्मे वादे कोई मायने नहीं रखते। दुर्भाग्यवश अमर भी ऐसे ही एक लत का आदी हो गया था, जिसकी वजह से वो अपनी नौकरी पर ध्यान नहीं दे पा रहा था और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अपने परिवार से तमाम वादे करने के बावजूद भी वो शराब को नहीं छोड़ पा रहा था और अब उसकी ये लत एक ऐसी भयानक रूप लेने लगी थी और उसने अपनी सारी जमा पूंजी नशे में झोंक दी। माँ
मेरे गहने ढूंढ रहे हो? पैसे। मम्मी जी ने सही कहा था, आप अब भरोसे के लायक नहीं रहे, इसलिए मैंने अपने सारे गहने मम्मी जी को दे दिए थे और उन्होंने वो गहने संभाल कर रखे हैं। बकवास बंद कर, पैसे दे मेरे को। नहीं, आपको पीने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मंगलसूत्र? नहीं, मैं मंगलसूत्र नहीं दूंगी। मंगलसूत्र दे दे। नहीं, माँ, भाभी जल्दी आओ, जल्दी। क्या हुआ? पेपर में एक ऐसी दवा के बारे में लिखा है जो शराब की लत को छुड़वा देती है, वो भी 7 दिन में। कहाँ मिलती है ये दवा? लगता है दवाई असर कर रही है। क्या हुआ? घबराहट हो रही था मुझे। मैं अभी पानी लेकर आती। मुझे कुछ टैबलेट लेनी पड़ेगी मुझे। शराब छुड़ाने वाली दवा? ये शराब छुड़ाने वाली दवा तुमने मुझे दी थी? नहीं, ये दवाई मैंने नहीं दी। तो ये क्या है? पिछले 3 दिन से मैं बेचैन हूँ, सच बोल। अब ये दवा ना तू पिए। ऐसा मत कीजिए, हमारे बच्चे पर क्या असर पड़ेगा दवाई का? मुगल, कौन मौत? मुगल, ये दवा मैंने दी थी। अच्छा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? जानवर हो गए हो? अरे हट! क्या कर रहा है? छोड़! मुझे सुधारने चाहिए ना। I'm so sorry. चोट लगने की वजह से शायद बच्चा नहीं बच पाया। इनको जल्द से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। सब मेरी वजह से हुआ। मैंने इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद की। मैंने ऐसा क्यों किया? दुर्भाग्यवश हम ऐसी दुर्घटनाएं सुनते हैं और देखते भी हैं, जहां शराब के नशे में आकर लोग अपनी इंसानियत को भूलकर घिनौने अपराध कर बैठते हैं। इस केस में भी अमर ने शराब के नशे में अपने हाथों से अपने अजन्मे बच्चे का खून कर दिया। इस मासूम की मौत के बाद मानो तनु का सब कुछ खत्म हो गया, उसकी खुशियां, उसके सपने, उसकी हंसी, सब कुछ दूर छूट गया हो। नशा और निराशा का मेल बेहद विस्फोटक होता है और लता का परिवार भी कुछ ऐसे ही विस्फोटक मुकाम तक पहुंच गया था, जहां एक छोटी सी चिंगारी एक सनसनीखेज जुर्म को आमंत्रण देने वाली थी। कहाँ जा रही? मैं अपने दोस्त को तुमसे मिलाने लाया और तुम जा रही हो। अरे अज्जू भाई, ये अज्जू भाई। लेकिन सब मालूम है तुमको कि इनका मुझ पर बहुत कर्जा चढ़ गया है। तुम वो उतार ना है। हमारा सब कुछ तो बिक चुका है, अब बाकी क्या रह गया? बाकी है ना तुम।
आजकल की जनरेशन में ना सब चलता है ना। अरे कहाँ जा रही है जानी मन? बहू चल चल छोड़ो चल 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 माँ, ये सब किसने किया? माँ भाभी कहाँ है? माँ बहू 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 भाभी भाभी बहू अरे नीचे उतर नीचे उतर। ये क्या कर रही थी? ऐसे पति से शादी करने के बाद मुझे खुद से घिना लिया कि मैं एक ऐसे आदमी की पत्नी हूँ। अब तू इस घर में नहीं रहेगी। मयूरी इसको इसके मायके छोड़ा जा। अरे रुको मत मारो मेरी बेटे को मत मारो छोड़ दो उसे जाओ यहाँ से जाओ। नहीं नहीं मत मारो मेरा बच्चा है तो मारे इसे। अरे हमसे उधार लेके सारे पैसे शराब में उड़ा दिए हमारा उधार दो। ये ले ले ये ले ये ले ये कंगन बेचकर अपने उधारी पूरी कर लेना ले जाइए इधर से उठ उठ आराम से। यहाँ बैठ मैं तुझे पानी देती हूँ। मैं पानी लेकर आती हूँ बैठ इधर ही। अपने सारे गहने मम्मी जी को दे दिए थे और उन्होंने वो गहने संभाल कर रखे हैं। क्या कर रहा है? नहीं दूंगी। मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगी।
दे चाबी, चाबी दे, चाबी दे। थोड़े पैसे दे देना वहां, थोड़ी थोड़ी दारू दे देना, शादी चल रही हो, दारू पी लूंगा तो छह से सो आऊंगा ना वहां, थोड़े पैसे दे दो मेरी प्यारी माया, मेरे को थोड़े थोड़े पैसे दे देना, थोड़े से दारू। भाभी आप आइए ना अंदर आइए। अमर कहाँ है? पता नहीं भैया, तो कई दिन से घर नहीं आए। क्यों, क्या बात है? अब हम ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते, तनु को अमर से तलाक चाहिए। शायद इसी में सबकी भलाई है। वैसे भैया जब आएंगे मैं उन्हें बता दूंगी। चलो बेटा। क्योंकि अमर घर पे ही है। माँ चुप करो। कहाँ है अमर? चलिए मेरे साथ, मैं उसे मिलवाती हूँ। माँ, माँ क्या हुआ? माँ, माँ ये क्या किया आपने? माँ, माँ पुलिस को फोन लगा। नहीं माँ, पुलिस को फोन लगा। मुझे आपकी जरूरत है माँ, मैं आपको खो नहीं सकती। क्यों ना हम भैया की लाश को घर के पीछे ही दफना दे।
आइए। यहां सो रहा है मेरा बेटा। बहू, पता है मेरे बेटे ने कई दिनों से शराब को हाथ तक नहीं लगाया। सच सच कह रहे हुए। अमर अमर मेरा बेटा, अमर अमर बेटा, अमर बेटा, बेटा उठना उठना बेटा, अमर अमर उठना, अमर उठ, बहू आई है, तुझसे मिलने आई है, बहू, बेटा, बेटा उठ ना, अमर, मेरा बच्चा, उठ ना, अमर, अमर, उठ ना बेटा, बेटा उठ ना, अमर बेटा। सुनो, जरा ध्यान से खोदना, लाश को फावड़ा टच नहीं होना चाहिए। लेकर चलो इन्हें। शराब के दुष्प्रभावों से हम सभी अवगत है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि शराब जो है वो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। हम मानते हैं कि आज की इस कहानी में एक खून मां के हाथों हुआ था, लेकिन इस जुर्म के असली जिम्मेदार अमर, क्योंकि अमर भली बात ही जानता था कि शराब की ये लत ना सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे परिवार को तिल तिल करके मार रही थी, लेकिन बावजूद इसके उसने अपने परिवार का साथ नहीं दिया बल्कि शराब के सुरूर को चुना, जिसकी एक बहुत बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने इस जुर्म के लिए लता और मयूरी पुलिस के गिरफ्त में है और कानून के विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे अदालत में विचाराधीन है। हर साल हम देखते हैं कि लोग शराब की वजह से बर्बाद हो रहे हैं। कई बार लोग शराब के नशे में आकर अपना आपा खो देते हैं और फिर हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराध कर बैठते हैं। इसीलिए बेहद जरूरी है कि हम शराब से दूरी बनाए रखें। इसी विचार के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।